नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बी ए फर्स्ट ईयर के सीक्रेट पेपर सोशियोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप सभी को थर्ड यूनिट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट पढ़ा दिया, इसके बाद सेकंड यूनिट भी कंप्लीट पढ़ा दिया है। फ्रेंड्स आप सभी ने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आज मेरा यह थर्ड यूनिट है जिसके बारे में फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। तो इसे फ्रेंड्स थर्ड यूनिट में पहला लेसन है कि भारतीय समाज की आधार संस्थाएं जात व्यवस्था। फ्रेंड्स लेसन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स लेसन का नाम है भारतीय समाज की आधार संस्थाएं एवं जात व्यवस्था। फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर जात व्यवस्था से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपने क्वेश्चन को। इससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ करते हुए इस वीडियो के लिए बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। इससे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर ने जात के ये लक्षण बताए हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक निर्जात समूह, सेकंड है एक समुदाय, थर्ड है हिंदुओं की धर्म सभा, एंड फोर्थ है एक समृद्ध परिस्थिति समूह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एक समृद्ध परिस्थिति समूह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस समूह को जिसकी सुनिश्चित सत्ता हो, अपना नाम हो, जो प्रपद्ध हो, जिसमें अपने अस्तित्व की चेतना हो, जिसमें सांस्कृतिक संजातीयता हो कहा जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जात, सेकंड है वर्ग, थर्ड है दल, एंड फोर्थ है गोत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जात। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है कि एक ग्राम जिसमें जजमानी व्यवस्था अपनाई जाती है, उसमें नाई और धोबी का संबंध निम्न में से किससे है? इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कारीगर जातियां, सेकंड है सेवक जातियां, थर्ड है भूतपूर्व अछूत जातियां, एंड फोर्थ है मध्यम जातियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेवक जातियां। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है, यानी जात जन्म पर आधारित है जबकि वर्ग आधारित है, यानी फ्रेंड्स किससे आधारित है? फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विशेषताएं पर, सेकंड है संपत्ति पर, थर्ड है बुद्धिमत्ता पर, एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संपत्ति पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन यह मानता है कि जात एक मनोवैज्ञानिक प्रगटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एसपी नागेंद्र, सेकंड है एम मोफट, थर्ड है लुई डुइमा, एंड फोर्थ है एससी दुबे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लुई डुइमा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात एवं वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लंबवत विभाजन, सेकंड है वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति, थर्ड है असमानता, एंड फोर्थ है उप सांस्कृतिक अंतर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सात है कि निम्नलिखित में से कौन एक जात की विशेषता है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंतर विवाह, सेकंड है बहुपत्नी विवाह, थर्ड है कुली व्यवस्था, एंड फोर्थ है सामाजिक गतिशीलता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंतर विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जीएस घुरिया द्वारा, सेकंड है डीएन मजूमदार द्वारा, थर्ड है एनके बोस द्वारा, एंड फोर्थ है आरके मुखर्जी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जीएस घुरिया द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर नौ है कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर ने, सेकंड है कार्ल मार्क्स ने, थर्ड है ओसी कॉक्स ने, एंड फोर्थ है डब्ल्यू एल वार्नर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ओसी कॉक्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात प्रथा किस समाज की विशेषता है? यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि जात प्रथा किस समाज की विशेषता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन हिंदू समाज, सेकंड है मुस्लिम समाज, थर्ड है ईसाई समाज, एंड फोर्थ है उपयुक्त समाज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदू समाज। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति के बारे में हट्टन द्वारा प्रस्तुत आदमी संस्कृत का सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स क्या कि हट्टन द्वारा प्रस्तुत आदमी संस्कृत का सिद्धांत किस जनजाति के अध्ययन पर आधारित है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन नागा जनजाति, सेकंड है भील जनजाति, थर्ड है टोडा जनजाति, एंड फोर्थ है संथाल जनजाति। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नागा जनजाति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स इसमें एक और सिद्धांत है और दूसरे फ्रेंड्स प्रतिपादक है। तो फ्रेंड्स जो सिद्धांत है या प्रतिपादक है, इसके प्रतिपादक से इन्हें सिद्धांतों का मैच कराना है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आखिर में कैसे इनका मैच होगा। तो इसमें फ्रेंड्स जो ए है, यानी फ्रेंड्स जो ए है यानी जात का प्रजातीय सिद्धांत है, फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक थे रिजली। उसके बाद फ्रेंड्स जात का व्यवसायिक, यानी फ्रेंड्स जात का व्यवसायिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? फ्रेंड्स तो इसके प्रतिपादक थे फ्रेंड्स नेसफील्ड। इसके बाद फ्रेंड्स जात का ब्राह्मणवादी सिद्धांत, ये फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक थे गुरिये। एंड फ्रेंड्स जात का धार्मिक सिद्धांत, फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक थे होकार्ट, सॉरी फ्रेंड्स कौन थे? तो होकार्ट थे। यानी फ्रेंड्स जात का प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक रिजले थे, जात का व्यवसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक नेसफील्ड थे, जात का ब्राह्मणवादी सिद्धांत के गुरिये थे, एंड जात का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट कोड क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट कोड है बाय, यानी 2143, यानी फ्रेंड्स 2143। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह सेठ जात की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत को दर्शाता है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्य तथा द्रविड़ों में संघर्ष, अनुलोम का नियम रक्त की विविधता, सेकंड ऑप्शन है प्रसूक्त आर्य तथा अनार्थ वर्ण संकरता, थर्ड ऑप्शन है गंगा यमुना का मैदान, अंतर विवाह, इंडो आर्यन संस्कृति, एंड फोर्थ है नागा जनजाति मानव संपर्क पर
प्रतिबंध है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आ यानी आर्य तथा द्रविड़ों में संघर्ष अनुलोम का नियम रक्त की पवित्रता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति को वर्ण संगतता के आधार पर स्पष्ट करने वाली हिंदू धर्म ग्रंथ का नाम है। इसे फ्रेंड्स अपना मनुस्मृति, सेकंड है बौधायन ग्रहसूत्र, थर्ड है महाभारत एंड फोर्थ है पराशर स्मृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनुस्मृति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में जात व्यवस्था को कमजोर बनाने में किस कारक यानी किस कारक का योगदान महत्वपूर्ण है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना है इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना औद्योगिकरण, सेकंड है नगरीकरण, थर्ड है यातायात के साधन एंड फोर्थ है यह सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यह सभी। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना जन्म से, सेकंड है कर्म से, थर्ड है धर्म से एंड फोर्थ है विवाह के बाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जन्म से। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना जात व धर्म, सेकंड है परिस्थिति व समूह, थर्ड है वर्ग व समूह एंड फोर्थ है जात व वर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जात व वर्ग। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जटिलता का अभाव निम्न में से किसकी विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना जात की, सेकंड है वर्ग की, थर्ड है परिवार की एंड फोर्थ है नातेदारी की। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वर्ग की। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना डीमा व पोलाक ने, थर्ड है सीएच कोहली ने, थर्ड है मजूमदार ने एंड फोर्थ है मार्क्स ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मार्क्स ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि विलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना मार्क्स ने, सेकंड है गांधी जी ने, थर्ड है मर्टन ने एंड फोर्थ बेबलन ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बेबलन ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात व्यवस्था संसार के सभी स्थानों में विद्यमान है तथा यह सभी धर्म के लगभग सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है, किसका कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सिजबिक का, सेकंड है समनर का, थर्ड है डेविस का एंड फोर्थ पेज का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डेविस का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा के शब्द यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा के शब्द कैस्टकस का यानी कैस्टस का आशय निम्नलिखित में से किसने किसके निकट है। फ्रेंड्स विशुद्धता की, सेकंड है अनुवांशिकता की, थर्ड है आवावा दोनों के एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आवावा दोनों की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है कि जात के विषय पर लगभग 5000 प्रकाशन हो चुके हैं और इस कारण जात के संपूर्ण अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी, किसका कथन है। फ्रेंड्स अपने मजूमदार का, सेकंड है फ्रायड का, थर्ड हटन का एंड फोर्थ फ्रेजर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हटन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक कृति के लेखक हैं। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना मजूमदार, सेकंड है वार्ड, थर्ड है मिल्टन सिंगर एंड फोर्थ है एससी दुबे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मजूमदार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जातीय नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम पंचायत के द्वारा, सेकंड है ग्राम मुखिया के द्वारा, थर्ड है जात पंचायत के द्वारा एंड फोर्थ है उक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जात पंचायत के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि जात व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से चाहे जितना आगे बढ़ जाए किंतु उसकी सामाजिक स्थिति में इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना कुछ परिवर्तन हो ही जाता है, सेकंड है कोई परिवर्तन नहीं होता, थर्ड है अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात को स्थित नातेदारी समूह के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना इरावती करबे, सेकंड है जी एस घुड़िए, थर्ड है जे एच हट्टन एंड फोर्थ है एन के दाता दत्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इरावती करबे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात प्रथा की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसमें फ्रेंड्स वहां फर्स्ट अपना जेएस गुरिये, सेकंड है अबे डुबाय, थर्ड है जेएस नेसफील्ड एंड फोर्थ है जेएस हट्टन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अबे डुबाय। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन यानी होने वाला वर्तमान परिवर्तन नहीं है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, सेकंड है व्यवसाय चुनाव में स्वतंत्रता, थर्ड है जातियों की स्थिर से संबंध एंड फोर्थ है जन्म के महत्व में कमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जातियों की स्थिर संबंध। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट इज कास्ट यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट इज कास्ट यानी कास्ट व्हाट इज कास्ट यानी कास्ट क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना इरावती करबे ने, सेकंड है जी एस गुरिये ने, थर्ड है सी एच कोहली ने एंड फोर्थ है हर्बर्ट रिजले ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इरावती करबे ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात एक बंद वर्ग है यह कथन किसने दिया। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना जी एस गुरिये ने, सेकंड है मजूमदार तथा मदान ने, थर्ड है एन के दास ने एंड फोर्थ है एस सी दुबे ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मजूमदार तथा मदान ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जी एस घुड़िये ने जात की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं जात से संबंधित है, कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स पहला जो संबंधित विशेषता है वो फ्रेंड्स है खान पान पर प्रतिबंध, सिंगल है परस्पर सहयोग का अभाव, थर्ड है समाज का समतल विभाजन एंड फोर्थ है सुनिश्चित संस्थान। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा इसका राइट कूट है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1-2, सेकंड है 2-3, थर्ड है 3-4 और फोर्थ है 1-4। तो फ्रेंड्स इसका राइट कूट क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट कूट है 1-4 यानी फ्रेंड्स खान पान पर प्रतिबंध एंड सुनिश्चित संस्थान, यही फ्रेंड्स इसकी विशेषता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नांकित में से किसे जात की विशेषता कहा जाएगा। इसमें फ्रेंड्स हम फर्स्ट अपने संस्करण सेकंड है प्रतिलोम का नियम, तथा अंदर विवाह पोते विविधता तथा अपविधता की धारणा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रतिलोम का नियम। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसी जात की विशेषता कहा जाएगा। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने अंतर विवाह, सेकंड है खुली व्यवस्था, थर्ड है सामाजिक गतिशीलता एंड पोते अर्जित परिस्थिति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अंतर विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात की निम्नांकित विशेषताओं में कौन सी विशेषता आज भी महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपन है, इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपन है कर्म कांडीय प्रचलन, सेकंड है जजमानी व्यवस्था, थर्ड है अंतर विवाह एंड पोते जात पंचायत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अंतर विवाह। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपन है प्रत्येक जाति न्यूनाधिक रूप से एक अनुवांशिक वर्ग है, सेकंड है जात एक बंद वर्ग है, थर्ड है हिंदू जात व्यवस्था का आधार धार्मिक विश्वास एंड फोर्थ है वर्तमान में जात की सदस्यता ऐच्छिक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वर्तमान में जात की सदस्यता ऐच्छिक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की प्रतिपादक है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने नेस्किल तथा ब्लंट, सेकंड है घुरिये तथा सेलिगमैन एंड थर्ड है हुकार्ट तथा सेनाट एंड फोर्थ है रिजले तथा मजूमदार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हुकार्ट तथा सेनाट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने विकसित किया। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपन है रिजले ने, सेकंड है नेस्फील ने, थर्ड है दहलमन ने एंड फोर्थ है होबार्ट ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रिजले ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत, यानी फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है कि जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने हर्बर्ट रिजले, सेकंड है डीएन मजूमदार, थर्ड है नेस्फील एंड फोर्थ है एम श्रीनिवास दास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नेस्फील। और फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जात की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मेरे जो 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।